14 में लिखा हुआ है मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन हैज़ कॉम्प्लेक्स रूट। सबसे पहले आप ये फाइंड कर लो कि इस इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स रूट कब होंगे, फिर उसके बाद सवाल पे आते हैं। जगह बचाते ना यार, यहाँ खाली थी। इक्वेशन क्या है, 2x² + 6x + k। सबसे पहले आप देखो ये इसके रूट कब कॉम्प्लेक्स होंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो सिंपल, b² - 4ac, ठीक है, < 0, क्योंकि जब b² - 4ac < 0 होता है तभी रूट्स आपके कॉम्प्लेक्स होते हैं। और अब वैल्यू ऑफ़ k निकालो, मतलब ऐसी कौन सी आप वैल्यू ऑफ़ k पुट करोगे कि रूट्स आपके कॉम्प्लेक्स होंगे, तो वो हम रेंज ढूंढ लेंगे कि वैल्यू ऑफ़ k कौन कौन सी यहाँ पुट करेंगे तो कॉम्प्लेक्स आएंगे, वरना नहीं आएंगे। b यहाँ पे क्या है, 6 है, 6² = 36, -4a² है, ck है < 0, तो जगह 36 - 8k < 0, -8k को आप उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 8k, और k की आप वैल्यू निकालो। अच्छा, इक्वेशन में होता था ना, जैसे आपके पास लिखा हुआ है 2 = k, तो आप लिखते थे k = 2। ये इक्वालिटी के अंदर होता है कि आप स्वैप कर दो तो कुछ होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे होता है। पहले k यहाँ पे लिखा हुआ है, खारिश हो गई है। अच्छा, k यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 8k > 36, ठीक है। जब आप k इधर लोगे, मतलब k जब आप इस तरफ लिखोगे तो इसका मुँह भी चेंज हो जाएगा, मुँह इसका बस k की तरफ खुलना चाहिए, ठीक है। और 36 आप उधर लिखो, k की वैल्यू निकालो, क्या आ रही है, 36 / 8, सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 18/4 - 9/2 तो कहने का मतलब ये है कि 9/2 से कोई भी वैल्यू ग्रेटर होगी तो रूट क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। मतलब इस इनइक्वालिटी को आपने सॉल्व किया है, इस इनइक्वालिटी का मतलब यह है कि रूट्स, अगर इस इनइक्वालिटी को मतलब आप सॉल्व करोगे तो रूट्स आपके पास कॉम्प्लेक्स आएंगे। जब आपने सॉल्व किया तो एंड पे k की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, k इज़ ग्रेटर देन 9/2। पॉइंट्स में लिखूँ तो मैं लिखूँगा k इज़ ग्रेटर देन 4.5, तो 4.5 से ग्रेटर कोई भी k की वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करोगे तो रूट्स आपके क्या आएंगे, इमेजिनरी आएंगे। आप सवाल पे आ जाओ, सवाल पे उन्होंने बोला था मिनिमम पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। इंटीग्रल वैल्यू क्या होती है, 1, 2, 3, 4, और पॉजिटिव तो हम पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे, -1, 2 ये नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं। तो ऐसी कम से कम पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू कौन सी है जिससे आपके मतलब के की, जिससे आपके रूट जो है वो कॉम्प्लेक्स होंगे। देखो मैंने बताया के ग्रेटर देन 4.5 पे कॉम्प्लेक्स है, अब के 5 पे भी कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि 5 ग्रेटर देन 4.5 है, के 6 पे भी कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन उन्होंने बोला है मिनिमम पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। तो 5 जो है ये मिनिमम है और पॉजिटिव है और इंटीग्रल वैल्यू है जिस पे आपका कॉम्प्लेक्स होगा। 6 पे भी है लेकिन 6 मिनिमम नहीं है, मिनिमम 5 है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। अच्छा जी, अब आ जाओ 15 पे लिखा हुआ है इफ़ x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ, इस इक्वेशन का अगर x - 1 फैक्टर है तो वैल्यू ऑफ a निकालो आप। देखो तो याद रखो, मैंने ये 3 चैप्टर में बताया था कि अगर x - 1 फैक्टर है किसी इक्वेशन का, तो x - 1 = 0, x = 1 क्या हो जाएगा, उस इक्वेशन का रूट कहलाया जाएगा, ठीक है। अगर x - 1 फैक्टर है तो उस इक्वेशन का x = 1 जो है वो क्या कहलाया जाएगा, मतलब सिंपल लैंग्वेज में 1 क्या कहलाया जाएगा, रूट कहलाया जाएगा। और अगर 1 रूट कहलाया जाएगा तो सिंपल आप उसको इक्वेशन के अंदर पुट करो, वो सेटिस्फाई करेगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगी। अब यहाँ पे इक्वेशन का गिवन है x² + ax - 4 = 0। देखो अगर ये ax ना होता, कोई भी आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, तो हम क्या करते हैं, हम 1 पुट करते तो वो उसको सेटिस्फाई करता, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होती है। कहने का मतलब ये कि जब आपको किसी इक्वेशन का रूट पता चल जाए तो वो आप उस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। अब हमें पता है कि 1 रूट है तो आप इस इक्वेशन के अंदर 1 पुट कर दो, 1² 1, a 1 से मल्टीप्लाई होकर a होगा -4 = 0, -3 हो जाएगा, ये -3 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपको वैल्यू ऑफ a निकालनी थी, 3 के बराबर आ गई है। 16 में आपके पास लिखा हुआ है 2 + ω = 2 ω², ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 2 से करो 4, फिर 2 ω² फिर 2 ω और फिर ω³। फिर आप क्या करो, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, ω² + ω, ये ω³ अपनी जगह पर रहने दो। अब आपको पता होना चाहिए ω² + ω ये बराबर होता है -1 के, ये मैंने क्लास में करवाया था, मतलब 1 + ω बराबर होता है -ω² के, ω + ω² बराबर होता है -1 के, अच्छा 1 + ω² बराबर होता है -ω के,
तीनों का सम जो है वो बराबर होता है ज़ीरो के, ओमेगा क्यूब जो होता है वो बराबर होता है वन के, ओमेगा फोर जो होता है वो बराबर होता है ओमेगा के। ये सब छः सात चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा माइनस वन, ओमेगा क्यूब वन के बराबर, जगह फोर माइनस टू प्लस वन, फाइव माइनस टू थ्री के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है भाई वो करेक्ट हो जाएगा। 17 बड़ा इंटरेस्टिंग है और यहाँ पे आ जाएगा इंशाल्लाह, हम यहाँ पे लिखेंगे। लिखा हुआ है ओमेगा 23 प्लस ओमेगा 28, इसकी वैल्यू निकालनी है। जब भी ओमेगा की हायर पावर आए तो इसको आप ब्रेक करो ओमेगा क्यूब में, ओमेगा क्यूब 3 का टेबल पढ़ो 23 से कम कम, 3 सेवन से 21 होता है तो आप 21 लिखो, पावर सॉरी 7 लिखो आप, 3 को 7 नहीं यार अब जगह ख़राब हो गई तो हमें पेज भी चाहिए, तो अब हम एक नया पेज लेंगे, नया पेज हमारे पास है, इसको बस मोड़ना है, दैट्स इट। देखो जब भी ओमेगा की हायर पावर हो ना तो आपने क्या करना है, मैंने उसमें भी बताया था चैप्टर 2 में भी कि आयोटा की हायर पावर हो तो आयोटा 4 में ब्रेक करना है और ओमेगा की हायर पावर हो तो ओमेगा क्यूब में ब्रेक करना है। अब सवाल आपके पास लिखा हुआ है ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा 28, ठीक है, तो ओमेगा क्यूब में ब्रेक करो, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है 21, बाकी कितनी बची 2 पावर, क्योंकि 21 ये है टोटल 23 है तो 2 पावर आप बाहर लिख दो। इसी तरह ओमेगा क्यूब की पावर 9 जो है वो 27 है, बाकी कितनी बची 1 पावर, तो आप साइड पर रखना। ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 की पावर 7 1 ही होगा, 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो ओमेगा स्क्वायर रहेगा, 1 की पावर 9 1, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करो ओमेगा, और ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा माइनस 1 के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 18 में लिखा हुआ है कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा। यार ये कॉन्जुगेट ऐसा वर्ड है जो आमतौर पर स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी लेवल पे भी समझ नहीं आ रहा होता, वो समझते हैं अगर आपने कॉन्जुगेट का मतलब ये ओमेगा कॉन्जुगेट माइनस ओमेगा, 2 का कॉन्जुगेट माइनस 2 है, ये क्या निकालो, ये एडिटिव इनवर्स होता है, कॉन्जुगेट नहीं होता ये, ठीक है। कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट देख लो, मैंने वीडियो में भी बताया था। सबसे पहली बात, कॉन्जुगेट दो टर्म के दरमियान होता है, दो टर्म मतलब बाइनोमियल जिसको बोलते हैं, जिसमें आपके पास सिर्फ दो टर्म है, लेट से बी कर दो, ठीक है जनरल, या ए प्लस बी कर दो, ये दो टर्म है आपके पास, इसका कॉन्जुगेट होगा। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, दरमियान वाला जो साइन है ना वो चेंज कर दो, ये कॉन्जुगेट होता है भाई। तो कॉन्जुगेट को समझ लो आप लोग। अब इस सवाल में बोला भाई ओमेगा का कॉन्जुगेट, एक चीज़ का कॉन्जुगेट की सेंस ही नहीं बनती, तो आप क्या करो ओमेगा को ब्रेक करो। हमें पता था ओमेगा बराबर था माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा ओवर टू, इसको मैं एक और तरीके से भी लिख सकता हूँ, माइनस वन ओवर टू प्लस आयोटा रूट थ्री ओवर टू, एलसीएम ब्रेक किया। कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है ना, रियल नंबर है प्लस इमेजनरी नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने क्या बताया था, ए प्लस बी आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होता है, ए माइनस बी आयोटा, मतलब इमेजनरी नंबर का हम साइन चेंज करते थे। तो यहाँ पे इमेजनरी नंबर ये है, साइन चेंज कर दो, ये क्या हो जाएगा माइनस वन ओवर टू माइनस आयोटा रूट थ्री ओवर टू, ठीक है, ये है इसका कॉन्जुगेट। और ज़रा आप गौर से देखो ये किसके बराबर होता है, ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। इन शॉर्ट ओमेगा का कॉन्जुगेट बराबर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर के, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। 19 में लिखा हुआ था एरिया ऑफ स्क्वायर इज 32 स्क्वायर इंचेस, फाइंड द लेंथ ऑफ अ डायगनल। वो बोल रहे हैं कि एक स्क्वायर है उसका एरिया 32 है। एरिया स्क्वायर में क्या होता है, दो डायमेंशन को आप मल्टीप्लाई कर दो, और स्क्वायर में आपको पता है सब डायमेंशन सेम होती हैं, स्क्वायर में आपको पता है कि दोनों साइडें सेम होती हैं, तो आप लेट कर लो एक साइड x है दूसरी साइड भी क्या होगी x होगी। एरिया क्या होता है, दोनों साइड को आप मल्टीप्लाई कर दो, मतलब सिंपल भाई एक डायमेंशन को आप मल्टीप्लाई कर दो उसी से, x को मल्टीप्लाई कर दो x से, तो ये होता है एरिया। स्क्वायर में एरिया होता है x स्क्वायर के बराबर। यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया क्या है 32 के बराबर है, तो आप लेट कर लो x स्क्वायर 32 के बराबर है, x क्या हो जाएगा। अच्छा यहाँ प्लस माइनस नहीं लगाओगे, क्यों, आपको पता है x लेंथ है स्क्वायर की साइड की, और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, तो पॉजिटिव वैल्यू होगी। और रूट 32 को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो अगर आप चाहो तो, किस तरह, आपके पास कैलकुलेटर है उस तरह कर लो, लेकिन अभी कैलकुलेटर में डालने में सॉल्व करने में जितना टाइम लगेगा मैं वैसे ही कर रहा हूँ, ठीक है। पेयर बन गया, पेयर बन गया 2 2 2 मल्टीप्लाई 2 4 और अकेला बच गया ये, तो रूट 32 को आप इस तरह भी लिख सकते हो 4 रूट 2, यह आपके पास आ गया एक साइड की लेंथ। बेसिकली आपको करना था लेंथ ऑफ डायगनल निकालना था। स्क्वायर में डायगनल क्या होता है, या ये आपके पास डायगनल ये है, ठीक है, ये आपके पास एक राइट ट्रायंगल बन गया,
जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपके पास डायगनल हाइपोटन्यूस, ये हाइपोटन्यूस है ना, तो किसके बराबर होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब 2x स्क्वायर, और बाहर निकालो तो √2x, क्योंकि एक्स स्क्वायर का रूट x होता है, तो स्क्वायर में डायगनल होता है √2x के बराबर, ठीक है। और x आपने पहले फाइंड कर लिया है, 4√2 के बराबर है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, √2 को आप √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आंसर आएगा, 2 को 4 से करोगे तो 8 आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो अगर आपकी कैलकुलेशन वीक है, और वैसे भी कर सकते हो। 8 मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा।